हाउ यू कैन गेट बॉडी बैक आफ्टर प्रेगनेंसी। बेसिकली एक नेचुरल प्रोसीजर है और इसके अंदर आपकी बॉडी ऑब्वियसली डी शेप हो जाती है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं, मगर इसको वापस ठीक होने में हफ्ते भी लग सकते हैं और महीने भी लग सकते हैं। और ये किस तरीके से वापस रीशेप होगी आपकी बॉडी, इसको हम अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। गेट अ चांस टू विन अ मोबाइल फ़ोन कैसे? मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में हमारा साथ दें। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जाओ यार सब्सक्राइब करो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सजाला रुख मलिक एंड आई एम कंसल्टेंट डाइटिशियन बाय प्रोफेशन। आज हम इंतहाई अहम टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं एंड दैट इज़ हाउ टू गेट बॉडी बैक आफ्टर प्रेगनेंसी। बेसिकली जब आप प्रेगनेंसी के बाद, एक बेबी बर्थ के बाद अपनी बॉडी को अगर देखें तो वो बहुत डी शेप हो जाती है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बॉडी के अंदर आ रही होती हैं, उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है आज हम इस वीडियो में उसको डिस्कस करते हैं। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं? तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं, या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। तो अगर हम बात करेंगे अपनी बॉडी को किस तरीके से वापस ठीक कर सकते हैं, एक हेल्दी और वापस शेप्ड कर सकते हैं, तो उसके अंदर जो चीज़ें अब हम फॉलो करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी हेल्थ के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी बॉडी के लिए हैं और उसकी शेप के लिए हैं। तो सबसे पहले तो जब बेबी एक पैदा हो जाता है उसके बाद एक मदर को वापस अपनी शेप में आने के लिए कुछ महीने भी लग सकते हैं, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, ये हर बंदे का एक अपना अपना डिपेंड कर रहा होता है। तो आप अपने आप को कभी भी, पहली बात तो ये कि कंपेयर ना करें और अपना ख्याल प्रॉपर रखें, अपनी कैलोरीज का इंटेक प्रॉपर करती रहें, अपना एक हेल्दी डाइट को मेंटेन रखें, हर फूड ग्रुप का इंटेक लाजमी करें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को ख़ुद ब खुद शेप में आने दें, बजाय इसके कि आप ख़ुद उसके ऊपर जो है जब फोर्स डालेंगे, ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो वेट प्लेटो भी लग सकता है, यानी कि वेट स्टक भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि कौन से ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपनी बॉडी को वापस रीशेप कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाती है ब्रेस्ट फीडिंग। जो मदर्स अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रही होती हैं उनकी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मसाइल पैदा हो सकते हैं, पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं, जिसके अंदर उनके कैंसर्स हो सकते हैं, पेल्विक कैंसर, यूटरस कैंसर्स या फिर ब्रेस्ट कैंसर, कोई भी ऐसे मसले मसाइल आ सकते हैं। बॉडी स्वेल हो सकती है बहुत ज़्यादा, बॉडी की स्वेलिंग को रोकने के लिए प्रॉपर फीडिंग लाजमी करवाएं बच्चों को, और उसी के साथ अगर आप एक प्रॉपर हेल्दी फीड करा रही हैं तो उसके साथ आपकी अपनी भी हेल्दी कैलोरीज इंटेक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि आप हल्के हल्के सॉफ्ट अपने जो है वर्कआउट लाजमी रखें अपनी लाइफ के अंदर, एकदम से ऑपरेट के बाद या डिलीवरी के बाद बहुत हैवी वर्कआउट की तरफ अपने आप को स्विच ना करें, बट आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ को एक्टिव रखें। बेसिकली बैठे नहीं रहना या फिर खा के बस उधर ही सो नहीं जाना और फिर जब करना तो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना, ऐसे नहीं करना। दिन के अंदर आप 15 से 20 मिनट 2-3 दफ़ा करके अपना वर्कआउट करें, आहिस्ता आहिस्ता करें और ख़ास तौर पे अपनी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के ऊपर लाजमी फोकस रखें, अपनी पेल्विक की, अपनी बैकबोन की जो आपकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती हैं उनको फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा एरोबिक्स करें। इस तरीके से क्या होगा कि आपकी बॉडी के जो सेल्स जो स्वेल हुए हुए हैं वो श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे और वापस आपको प्लेटो नहीं लगेगा और आपकी बॉडी वापस रिगेन होना शुरू हो जाएगी अपने ओरिजिनल वेट के साथ अंदर। उसके साथ आप अपने प्रॉपर खाने पीने का ख्याल रखें, यानी कि जिसके अंदर आपका डेयरी भी होना चाहिए, उसके अंदर आपके फ्रूट्स का इंटेक भी ज़्यादा होना चाहिए, आपके वेजिटेबल्स का इंटेक भी ज़्यादा होना चाहिए, आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे होने चाहिए बॉडी के अंदर। जैसे ही आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे होंगे आपके बेबी को भी वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और आपके लिए अल्टीमेटली वो चीज़ हेल्प आउट करेगी आपकी बॉडी को वापस अपनी शेप के अंदर आने में। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि मल्टीविटामिन्स का इंटेक भी आप लाजमी करें, ख़ुद से ना करें तो बेहतर है अपने किसी कंसल्टेंट से, डाइटिशियन से लाजमी एक दफ़ा इसके ऊपर आप कंसल्टेशन ले लें, एक दफ़ा डिस्कशन कर लें, वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि कौन से विटामिन्स मिनरल्स लेने की आपको ज़रूरत है जो आपकी डाइट के अंदर लैक कर रहे हैं। इस तरह से ये होगा कि आपकी बॉडी जो है वापस स्वेल नहीं होगी, उसको वो वाले कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे या हार्मोनल इश्यूज़ नहीं आएंगे बॉडी के अंदर। उससे ये होगा कि आपका जो भी आपके न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो रही हैं उन डेफिशिएंसीज की वजह से उनकी जो आपकी बॉडी फूल रही है या वज़न बढ़ रहा है वो भी आपकी कम हो सकती है। वॉक का इंटेक आप वॉक का जो है आप दुरानियाँ बढ़ाएँ, अपनी लाजमी करें, अपनी लाइफ के अंदर उसको रखें। कोई भी खाना पीना स्किप ना करें, खाना अपने टाइम पे लाजमी खाएं, लेट नाइट मत खाएं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो क्रेविंग्स होती हैं खाने पीने की उसको लाजमी कंट्रोल करें, लेट नाइट खाना ना खाएं, शुगर क्रेविंग से अपने आप को बचाएं और वह तब भी बचा सकते हैं जब आप सारे फूड ग्रुप्स रहें, उसके अंदर आप कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फाइबर, फिर उसके साथ हेल्दी फैट्स, जब अच्छी डाइट ले रहे होंगे, इन सब चीज़ों को ले रहे होंगे तो ख़ुद ब खुद आपको जो क्रेविंग्स हैं वो कम से कम होंगी और अगर हो भी रही हैं तो उनको ओवरकम करने की कोशिश करें, उनको तो आप उनके पेशेंट को फॉलो ना करें। इससे भी ये होगा कि आपकी बॉडी को एक सस्टेन्ड जो कैलोरीज बॉडी को मिलनी चाहिए उतनी ही मिलेंगी और आपकी बॉडी उससे ज़्यादा वेट गेन नहीं करेगी, वेट कम की तरफ आना शुरू हो जाएगी। और 6 महीने तक ख़ुद को सिर्फ सुकून दें और 6 महीने के बाद आप वेट लॉस की तरफ आएँ और कोई ना कोई डाइट प्लान फॉलो करें और कोई भी वेट लॉस के सप्लीमेंट्स यूज़ ना करें इस ड्यूरेशन के अंदर, क्योंकि आप बेबी को फीड करा रही हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स बेबी में भी जा सकते हैं। बाकी फ़र्दर चीज़ें डिस्कशन करने के लिए आप फ़र्दर चीज़ें देख सकते हैं जो आपको बॉडी के अंदर मसले मसाइल आ रहे होते हैं, जो ट्रिगर कर रहे होते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग उनको डील कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आपको मुझसे किसी किस्म का कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके मुझसे अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। और साथ ही में अगर आपको मुझसे कोई कंसल्टेशन चाहिए तो marham.pk के थ्रू ऑनलाइन या फिज़िकल कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू।